हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी मंचूरियन। देखिए कैसे सिंपल और इजी स्टेप में हमारा बहुत ही टेस्टी गोभी मंचूरियन बनके रेडी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसके लिए हमने सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। इंग्रेडिएंट्स में हमको चाहिए मैदा, सॉल्ट, कॉर्नफ्लावर, सोया सॉस, चिली सॉस और ब्लैक पेपर पाउडर। और हमने ले लिया है 2 मीडियम साइज के प्याज और 1 पूरा गार्लिक। और हमने ले लिया है मीडियम साइज का गोभी, जिसको हमने 10 से 15 मिनट उबाल दिया है और पानी हम स्ट्रेन कर देंगे। और एक बोल में ले लेंगे मैदा 3 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून और थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा पानी डाल के घोल बना लेंगे, जिसमें हम कॉलीफ्लावर मिला देंगे। तेल भी गर्म हो चुका है, अभी हम सारे गोभी तल लेंगे। ट्राई कीजिए, एक एक गोभी डालिए तो हमारा गोभी बहुत क्रिस्पी और स्वादिष्ट बन के रेडी होगा। देखिए सारे गोभी तल चुका है, अभी हम सारे चीज़ काट लेंगे। जिसके लिए हमने गार्लिक को अच्छे से चॉप कर लिया है, ऑनियन को चॉप कर लिया और स्प्रिंग ऑनियन। तेल हमने बिठा दिया है, अभी गरम हो चुका है हमारा तेल। अभी हम डाल देंगे गार्लिक चॉप किया हुआ, और थोड़ी देर इसको भून लेंगे। ध्यान रखिए इसको हमको कलर नहीं देना है। हल्का सा भूनने के बाद हम इसमें मिला देंगे हमारा चॉप किया हुआ ऑनियन। और थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। फिर हम डाल देंगे हल्का सा नमक, आधे स्पून से भी कम नमक डाला है हमने, क्योंकि सोया सॉस और चिली सॉस में नमक होता है तो हमको ज़्यादा नमक नहीं डालना है। गोभी में भी हमने फ्राई करते वक्त डाला था। और डाल दिया है हमने ब्लैक पेपर पाउडर और इसको अच्छे से भून लेंगे। हम अपना मिक्सर रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए हमने लिया है 2 टेबलस्पून टमाटो केचप, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस। आप अगर स्पाइसी खाना चाहते हैं तो 2 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं, प्लस ऑनियन के साथ भी आप एक ग्रीन चिली फ्राई कर सकते हैं। अभी इस मिक्सचर को हम ऑनियन के साथ मिला लेंगे और एक बोल में 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लेके उसमें पानी मिला देंगे, जिसको धीरे धीरे हमको इस मिक्सचर में मिलाते जाएंगे, जिससे हमारा मिक्सचर घना हो जाएगा। थोड़ी देर पकाने के बाद हम गोभी मिला देंगे। हमारा मंचूरियन ऑलमोस्ट रेडी है। आप चाहे तो इसमें इस स्टेज में आप स्प्रिंग ऑनियन ऐड कर सकते हैं, और चाहे तो आप बाद में गार्निशिंग में भी ऐड कर सकते हैं। हम लोग बाद में ऐड करेंगे। अच्छे से मिला के 1-2 मिनट पकाने के बाद रेडी है। अभी हम गार्निशिंग के लिए स्प्रिंग ऑनियन डाल देंगे ऊपर से। हमारा डिलीशियस क्रंची गोभी मंचूरियन बनके रेडी है।
प्लीज़ ट्राई कीजिए ये रेसिपी घर पे, बहुत इजी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।